हेलो दोस्तों, 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य बहादुर सैनिकों को हमेशा के लिए खो दिया। जनरल बिपिन रावत दुनिया के चौथे सबसे बड़ी सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। बिपिन रावत के दादा भी सेना में थे, पिता भी लेफ्टिनेंट जनरल रहे और चाचा भी फौज में हवलदार होकर रिटायर हुए। बिपिन रावत ने सेना में दिसंबर 1978 में शामिल हुए। उन्हें 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था। अब बिपिन रावत के लाइफ के बारे में 10 फैक्ट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 10, 1986 में चीन से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन्फेंट्री बटालियन संभाल चुके हैं बिपिन रावत। फैक्ट नंबर 9, बिपिन रावत को आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने और जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, बिपिन रावत ने आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने एलओसी चीन बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा है। फैक्ट नंबर 7, बिपिन रावत को इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में स्वर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जा चुका है। फैक्ट नंबर 6, बिपिन रावत चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 27वें सेना अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, बिपिन रावत ने कश्मीर घाटी में पहले नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली है। फैक्ट नंबर 4, साउथ कमांड की कमान संभालते हुए उन्होंने पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर मैकेनाइज्ड वारफेयर के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के साथ बेहतर तालमेल बढ़ाया। फैक्ट नंबर 3, चाइनीज बॉर्डर पर बिपिन रावत कर्नल के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन की कमान भी संभाल चुके हैं। फैक्ट नंबर 2, साल 2016 में उरी में सेना कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसको बिपिन रावत ने ट्रेंड पैरा कमांडो के माध्यम से अंजाम दिया था। उरी में सेना के कैंप पर पुलवामा में CRPF पर हुए हमले में कई जवान शहीद होने के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। फैक्ट नंबर 1, बिपिन रावत ने 1 सितंबर 2016 को आर्मी के वाइस चीफ का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 में इंडियन आर्मी के 26वें चीफ की जिम्मेदारी भी मिली। 30 दिसंबर 2019 को उन्होंने भारत के पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया और बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को CDS का पदभार ग्रहण किया। बिपिन रावत के लिए जय हिंद, जय भारत।